में लोकतंत्र के महामुकाबले के नतीजे सामने आ गए हैं। सभी 543 सीटों के चुनाव परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जिसने सबको खूब चौंकाया है। इससे भी ज्यादा चौंकाया है दो और अहम सीटों के परिणाम ने। एक सीट है कश्मीर की तो दूसरी पंजाब की। यहां से दो कट्टरपंथी जेल में रहकर चुनाव जीत चुके हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये दोनों शपथ ग्रहण करने के लिए संसद कैसे जाएंगे, क्या होगी पूरी प्रक्रिया, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद। उन्हें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत जेल में रखा गया है। वहीं से शेख अब्दुल रशीद ने बारामूला सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और बाजी भी मार दी। ऐसी ही असम की डिब्रूगढ़ जेल में वारिस पंजाब दे के मुखिया और अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह को रखा गया है। वो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में है, जहां से चुनाव लड़ा। अमृतपाल ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। जहां तक इन दोनों के शपथ ग्रहण के लिए संसद जाने की बात है, तो इसके लिए उन्हें कानून के रास्ते पर चलना होगा। भले ही ये दोनों कानून का पालन न करने के आरोपों में जेल में बंद हैं, पर अब इन्हें कानून ही संसद तक पहुंचाएगा। अमृतपाल और राशिद को शपथ ग्रहण के लिए अदालत जाकर अनुमति मांगनी होगी। अनुमति मिलने के बाद वो कड़े सुरक्षा घेरे में शपथ के लिए जा सकते हैं। वैसे इन दोनों की शपथ टाली तो जा सकती है, लेकिन रोकी नहीं जा सकती। कानून के जानकार बताते हैं कि पारंपरिक प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले स्पीकर की ओर से उस जेल के अधीक्षक को शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा, जहां किसी सीट से जीता कोई आरोपी बंद है। इन दोनों के मामलों में भी ऐसा ही होगा। चूंकि दोनों ही न्यायिक हिरासत में रखे गए हैं, इसलिए जेल अधीक्षक को भी अदालत को सूचित कर अनुमति लेनी होगी। इसके बाद कोर्ट की ओर से तय की गई सुरक्षा की शर्तों पर शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए उन्हें संसद ले जाने की अनुमति दी जाएगी। जेल के अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि अदालत की अनुमति पर ही जेल से संसद तक दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में ले जाया जाएगा। इस दौरान उनके लिए संसद के अधिकारियों या अन्य सांसदों के अलावा मोबाइल के इस्तेमाल या किसी और व्यक्ति से मिलने पर रोक रहेगी। ACP और फिर इंस्पेक्टर के रैंक के अधिकारी इनको एस्कॉर्ट कर संसद तक कड़ी सुरक्षा में पहुंचाएंगे। जेल में इन्हें संसद तक ले जाने वाली पुलिस टीम केवल संसद के गेट तक जाएगी। वहां पर आरोपी सांसदों को संसद की अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया जाएगा। संसद की सुरक्षा उन्हें आगे सदन में ले जाई जाएगी। यहां ये बताना जरूरी है कि संसद के अंदर जाते ही दोनों आरोपी सांसदों को वे सभी अधिकार मिल जाएंगे जो अन्य सभी सांसदों को मिलते हैं। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह हो या संसद का कोई सत्र, जेल से वहां आने जाने के लिए जेल में बंद आरोपी सांसदों को हर बार कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। हर बार पुलिस को उन्हें कड़े सुरक्षा घेरे में संसद ले जाना होगा। वापसी में भी उसी तहत का सुरक्षा घेरा इनके आसपास रहेगा।